अखीर मिलन पार्टी मैं आप पे तरफों सब नुदांगा क्या बात छोटा सा महल है अगर पूरे महल्ले के भी पैसे इकट्ठे करें कम हो जाएंगे इनके ज्यादा हो हमारे मोहल्ले के क्या हो रहा है ये जी माशाल्लाह हमारे मोहल्ले के हकीम साहब है मुबारक ईद मुबारक ये मेरे बड़े भाई हैं मेहरान खान लोदीन का नाम अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक ये जी मेरा छोटा भाई है फिजान खान लोधी इसका नाम है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़िरीन और मुअज़्ज़ज़ीन खैर मुबारक हालांकि हाल है सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से फरहान खान लोधी की तरफ से तो आज हम अपना रिव्यू करने लगे अपने मोहल्ले में जाके मोहल्ले में अपने बुजुर्गों से मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक जनाब हाल है ठीक ठाक ये हमारे मोहल्ले के पासाबा बहुत ही अच्छी शख्सियत है अल्लाह ताला इन्हें खुशो आबाद रखे और लंबी जिंदगी दे हालातों वाकयात का नहीं पता कुछ लोग गुरबत से फोत हो रहे हैं कुछ बुजुर्गों के फोत हो रहे हैं जजाक अल्लाह जी मुबारक अस्सलाम वालेकुम मैं कुछ नहीं कहूंगा जो मैं उठ जा मैं कट दूंगा ईद मुबारक ये जी हमारी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत शख्सियत है इनका नाम है शाहद भट साहब लेकिन इन्हें हम प्यार से पाशादा कहते हैं ये मोहल्ला अब्दुल्ला स्ट्रीट में रहायश पजीर है ये बड़े मोहब्बत वाले हैं हमारे साथ रहने वाले हैं अल्लाह ताला इन्हें भी खुशोबाद रखे आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत कुछ कहना चाहेंगे नहीं, नहीं, आप कह भी नहीं सकते मेरे सामने ये बच्चा अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक हो ये जी अल्लाह का करम ये मलक फिजान है हमारे मोहल्लेदार ने मेरा नाम जनाब अज़हर इकबाल साहब बहुत ही बेहतरीन किस्म दिया कोट कलेजियां लांदे ने कमाल दिया यकीन मानो तो बड़े मोहब्बत वाले नफीस ते शरीफ इंसान ने क्या बात अल्लाह ताला होशोबाद रखे मुबारक ईद मुबारक ये जी सुभान मली है टेकन 5 सिटी के मास्टरपीस है तो वो है बहुत शुक्रिया जी ईद मुबारक जी ये जी मेरा बचपन का दोस्त है इसके साथ मैंने तमाम कार्रवाइयां तमाम गैर कानूनी और कानूनी काम सर अंजाम दिए हैं तो ये बहुत ही शरीफ था इंसान लेकिन कचहरी में सारे मामले मैंने संभाले हैं फरीहान को दे इजाजत एक और भी एक क्यूटी इधर आओ ये जी छोटा मियां मोहम्मद मूसा है ये देखे जी उधर ईद मुबारक हो ईद मुबारक अच्छा हो गया बहुत शुक्रिया जी सलाम अलैकुम ईद मुबारक ये जी ये भी बहुत ही खूबसूरत इंसान है हमारे मोहल्ले के तो ये होते हैं कुवैत में होते हैं आप तो कितने अरसे से वहां मुकीम है आप 16-17 साल से ये उधर मेहनत मजदूरी करके इधर चार कोठियां बना रहे ये जी ये सिपाही है अपने मोहल्ले के ये देखे देखे जी ये भाई है इन्होंने ये भी हमारा छोटा भाई है रंग का काम करते हैं बहुत ही मेहनत के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं अभी वीडियो बनाने के चक्कर में अपने इसने 2 साल के बच्चे को साइड पे फेंक जी अस्सलाम वालेकुम सर वो मलिक साहब है बुलाइएगा उन्हें ईद मुबारक मलिक साहब ये मलिक इरफान साहब हैं ये हमारे भाई हैं हमारे हमसाए भी हैं ईद मुबारक ही आपको दुआ में याद रखें मलिक साहब जी के जी ये जिनका जिक्र सबसे ज्यादा था आज इधर आप सबसे ज्यादा इंतजार था ये जी हमारे मलिक साहब ये पीछे से भागोवाल के हैं तो चेयरमैन है उधर भी इनकी 3-4 माशाल्लाह फैक्ट्री हैं अल्लाह ताला ने इन्हें दौलत से नवाजा हुआ है छोटा सा महल है अगर पूरे महल्ले के भी पैसे इकट्ठे करें कम हो जाएंगे इनके ज्यादा होंगे या दूसरे नंबर पे तो अल्लाह ताला इन्हें खुशोबाद रखे इनका साया पूरे महल्ले पे रहे हसूसन पा साबे पे रहे खाना शाना बड़ा खाते हैं उधर से तो
तो हमारी तो है नाजीन को ईद मुबारक कह दें। ईद मुबारक जी, मोहब्बत भरी साहब, मोहब्बत भरी, मोहब्बत भरी थी ईद मुबारक फरीहान को दे जाते। ये जी अपना पूरा नाम बताएं इधर कैमरे पे। मोहम्मद नदीम साहब है, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे मोहल्ले में सारे खूबसूरत है, यकीन माने बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, दिल के भी और शक्लो सूरत के भी। और सारे मामले ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। भाई साहब आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब भाई है। ये साकिब भाट साहब है, ये भी अपने मोहल्लेदार है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये हमारे बड़े बचपन के दोस्त है, चड्डी फ्रेंड है, इन्हें कहते हैं उमर भाई। बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान है। और हमें याद रखिएगा, मिलते हैं आगे। चलो अस्सलाम वालेकुम, शहरियाल भट्ट है, बहुत मास्टर पीस बंदा है हमारे मोहल्ले का। आप जरा माहौल चेक करें गली मोहल्ले का। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत और हलूस के परवाने हैं हमारे, हमारे मुर्शिद भी और कायद भी है। बहुत ही खास किस्म की खासियत है इनमें, ये सबकी मदद करते हैं। इनका छोटी सी दुकान भी है, दूसरे भी कारोबार है इनकी प्रॉपर्टी के। वो बड़े ही नफीस इंसान, बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान। ये देखिए ये वाले, इनको शौक है सारे, लेकिन अब ये मामला था कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो बहुत शुक्रिया जी भाट साहब, ईद मुबारक आपको। छोटे भाइयां जी, इनकी जरा नवाजा है, ये हमको इज्जत बख्शते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इनकी जदोजहद है जो हमें इज्जत में। क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप? बस यही कहना चाह रहा हूँ, ये हाथा भी हमारे छोटे भाई हैं जिनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। ये हमको बंदे को अब इज्जत बख्शते हैं। जा रहा था, देखा आपने इनकी बातें सुनी है, मैंने कहा था अल्फाजों से कि ये बड़े नफीस इंसान है, तो ये वाकई नफीस इंसान है। बहुत शुक्रिया भाट साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये भी हमारे चड्डी फ्रेंड है, अली भट्ट नाम है इनका। तो ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे लोग? ईद पे यही देंगे कि इंशाल्लाह ताला जितने भी जो मुसलमान भाई है एक दूसरे को मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये मोहब्बत वाली बातें बांटनी भी चाहिए, ईद की मिठास सब में बांटनी चाहिए। ये बहुत ही खास किस्म के ठेकेदार हैं, ये भी हमारी मोहल्ले के शान है, शान भी है, किरार भी है जी। आप बस माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, ये आपको मोहब्बत है आपको। क्या हाल है, तू क्या हाल है, क्या हाल है, सेट बैठो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या हाल है भाई, ठीक हो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो अपने इधर आओ भाई, उधर किधर जा रहे हो, इधर आओ, ईद मुबारक। ये जी भाई इधर आए ना, ये जी हमारे मोहल्ले के बड़े छोटे सरदार आ गए, ये हमारे मोहल्ले के छोटे सरदार हैं, सारे छोटे भाई हैं अपने, बहुत ही अच्छे इंसान है सारे जी। तो इनकी एक्टिविटीज भी बड़ी अच्छी है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की आजादी पे? आजादी हो ही जाती है, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माइक लगा रहा है, ये जी वसीम भाई ये बाहर होते हैं, ये भी बड़े अच्छे प्यारे भी, ठीक है, और सारे मामला ठीक ठाक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये भी जी छोटा भाई है अपना, बहुत ही खूबसूरत है, मेरे आजू बाजू, इधर आओ, आप मिल नहीं गए, दोबारा मिल लो, ईद मुबारक। ये देखिए जी, ये मोहब्बत है हमारे मोहल्ले की, बच्चे बच्चे मोहब्बत फैलाने वाले हैं। ये देखो जी, ये देखो, ये देखे जी, इधर आओ जी। आपका क्या नाम है? उमर। मुझे नाम सबके पता है, मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ मेरी ऑडियंस को। चले जी, ये कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे भी मिलने जा रहे हैं भट्ट साहब। ईद मुबारक, क्या साहब दिख रहे हैं, चलो बहुत अपनी भी कर लगी, मेरी टिकट काट ले।
ये जी सफदर शाह साहब है हमारे मोहल्ले के, ये क्या हासियत है, क्या ये अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्त है, ये सफदर शाह जाफरी हैं माशाल्लाह। ये जब भी कोई बात करेंगे ना के अगले के दिल को जलाने वाले, क्या बात है, क्या बात है, मुखलसी में जरा नहीं है। एक मिनट, आप भी तहमल करें, आपकी भी बारी आती है। हाँ जी, फिर भी हम ना अपने जज्बात को काबू में रख के थोड़ी सी कर रहे हैं। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, ये अल्फाजों का हेर फेर करके कर, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे और नेक आदमी। क्या बात है, तालियां बच्चों के, मोहल्लेदार है और पीटीआई के माशाल्लाह कारकुन है। क्या बात है, ये मोहल्ले की हमारी मोहब्बत है, ये जो अल्फाज है हमारे मोहल्ले की माशाल्लाह। क्या बात है, ये दोनों इंसान बहुत अच्छे हैं, इनका किरदार बड़ा अच्छा है। तो नाज़रीन फरी खान को इजाजत दें, जियो न्यूज़ सियालकोट। ईद मुबारक भाट साहब, भाट साहब की ग्रेट, भाट साहब की हालत ठीक ठाक हो, की पैगाम है ईद वाले दिन सब लोग से मुसलमान से? मुसलमान से यही पैगाम है कि मिलजुल के रहो, बेशक लड़ाई झगड़िया तो परहेज करो। सियासतदानों ने भी सारे यही कहना कि अपने मुल्क का कुछ सोचो। क्या बात है जी, क्या बात है, तालियां भाई तालियां। उन्होंने कहा जी लड़ाई और झगड़ों से परहेज करें और अपने आप को भी बचाएं और अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाएं। नमाज की देखभाल, मस्जिद की देखभाल यही करते हैं। बहुत शुक्रिया भाट साहब, दुआ भी आप। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये आबद भाट साहब है, आबद मैर साहब है, मैर साहब है, ईद मुबारक। ये इलाके भाई बहन है हमारे, ये भी इनकी मोहब्बत है, छोटी सी दुकान है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या हाल है, ठीक है? जान भाई किधर से आ रहे हैं आप? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से कैसी गुजरी है मेरे भाई की? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हमारा चट्टी फ्रेंड है, बस ये है कि जब बंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अपने काम काजों में इतना मसरूफ होता है कि वो चट्टी पुरानी चड्डी भी भूल जाती है और पुराने दोस्त भी बोल देते हैं। ये जी हमारा छोटा भाई है, अपने हाथों का बच्चा है, साथ बड़े मामला है हमारे साथ ही कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्यारा इंसान। बहुत शुक्रिया, मुबारक, मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाथ फेरे अपने साथ। ये जी हमारे मोहल्ले की हाल है, हमारी सियासतदान भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि हर मामले में हर इंसान के साथ ये चलने वाली औरत है। तो कैमरा इनकी तरफ ही मारा जाए तो बेहतर होगा। ये बुजुर्ग है हमारे मोहल्ले की, हमारे मोहल्ले की शान भी है। तो हालांकि कोसी के नाम से मशहूर है लेकिन इनकी खिदमात भी बड़ी है, ये मोहल्ले की खिदमत भी करते हैं और दूसरे मामला में भी आगे आगे होते हैं सियासी और समाजी तौर पे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। रुपया 500 लगेगा सिर्फ, ठीक है, वो भी ना जाओ। अच्छा, सारे मामले क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, ओ जनाब ठीक ठाक? ये जी माशाल्लाह हमारे मोहल्ले के हकीम साहब हैं, इनके पास तभी मशवरे और दूसरे मशवरे और उसके अलावा अदालत के मशवरे हो, उसके अलावा और भी बड़े मसाइल का हल ये निकालते हैं। जो आपने अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा, इसका इलाज उसका इलाज, ये हमारे मुर्शिद है ना। बोस ना ईद वगैरह ठीक गुजरे, बहुत शुक्रिया। ओ मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये माशाल्लाह जी मलिक साजी साहब है, इनकी मंडी में 27 दुकानें हैं लेकिन वो इतनी इतनी सी है, उसमें बंदा पूरा तो दूर की बात पाऊं भी नहीं आता। तो अल्लाह ताला इनकी इतनी इतनी दुकानों को मजीद बढ़ाए, बरकत डाले। बहुत शुक्रिया जी, ईद कैसे गुजरी है? ठीक ठाक, कुछ खाना बनाना नहीं के सुखे थे मेल माया है क्या? बहुत शुक्रिया जी साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है, ठीक ठाक, कैसा चल रहा है? ये जी हमारे मोहल्ले के सबसे बड़े डॉन है,
इनका नाम रुतबा जितना बयान किया जाए कम है। ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही कोजे हैं, उतने ही और खूबसूरत हैं। तो ये इनके साइज पे ना जाएं, मेरा काज जरा ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ा है जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा। ये हर काम में अपना समाजी काम हो सियासी काम हो इनसे करवाया जा सकता है। इवन के आप वापडाप के भी काम इनसे करवा सकते। कोई आपने कोई खंभा उतारना है लगवाना है सारे मामला ये तय करते हैं। बल्कि फतेहगढ़ के छोटे ड्रोन समझे जाते हैं, फरीहान को दिया इजाजत। अस्सलाम वालेकुम मास्टर भाई, मुबारक मुबारक, अल्लाह ताला आपको खुशियोबाद रखे। ये जी आसफ शूटर साहब है हमारे मोहल्ले के, बेहतरीन किस्म के गुड्डी बाज थे, लेकिन अभी बहुत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत इंसान है। इनका गोल्डन हार्ट है। तो अल्लाह ताला आपको जी खुशियोबाद रखे, आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत खुशियाँ। दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पब्लिक के लिए भी दुआ कीजिएगा। आए जी आप माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये जी ये आसिफ साहब के छोटे बड़े भाई हैं, बड़े भाई। ये भी हमारे मोहल्लेदार है, बहुत ही अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला आपको भी जी खुशियोबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा। हम चल ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? सेट बैठो। ईद कैसी गुजर रही है? अल्लाह ताला आपकी मजीद। ये भी जी आपका नाम क्या है? अब्दुल वहाब। ऊंची बोलो। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब नाम है। बाल ऐसे रखे हुए हैं जैसे अभी जंग लड़ के आया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? वहाब। मुझे पता है, मैं वैसे कैमरे के लिए पूछ रहा। आगे चला, इधर आओ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाल ने तेल तो नहीं लाया? बड़ा मारूंगी बात हो। खैर ये भी उधर नाम बताओ जी अपना। हसन। हसन, हसन अली। इधर आओ अली हसन। सुलेमान। ये जी हमारे घर का बेटा है, ये अपनी जान है। तो आओ भाई, तुसी भी आओ। लोरो आए हो जी? ईद मुबारक। क्या नाम है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? किधर से आए आप? जी जी माशाल्लाह बड़ी। इधर आओ, चीकू मिलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो ज्यादा एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ये शबाज हैं अपने मोहल्ले के, बड़े ही ताकतवर है। इन्होंने जितने जिम शिम है उनका ठेका लिया हुआ, ये जिम शिम करवाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं और मिस्टर पाकिस्तान बनवाते हैं। चेक कीजिएगा इनकी अपनी बॉडी, चेक कीजिएगा। ओके, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या नाम है आपका छोटे? हसन। ये हसन भाई, ये क्या हाल है? व्हाट्सअप ठीक है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपका नाम क्या है? आशिर। आशिर, ये आशिर और हसन है, दोनों स्टूडेंट है, बहुत ही नाइस बंदे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये भी जी हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे सरदार है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये सारे अपने मोहल्ले की पैदावार है, ये अच्छी फसल है। तो सारे स्टूडेंट ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये जी पहलवान सबसे खूबसूरत इंसान एंड पे आते हैं, सबसे आला जर्फ के लोग एंड पे आते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबको, ईद मुबारक। ईद को अच्छे तरीके से आपने गुजारना है, नेक काम और नेक अमाल करना है। बहुत शुक्रिया जी। ये जी मोहब्बत वाले सब्सक्राइबर आए हैं, मेरे छोटे से सब्सक्राइबर। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये भी हमारे मोहल्लेदार है, बहुत क्यूट से बच्चे हैं, बहुत शरीफ से बच्चे हैं। हमने इनके दौरे हुकूमत में, मतलब इनकी उम्र में, उधर देखो जी, इनकी उम्र में हमने वो फसाद डाला होता था मोहल्ले में, लेकिन ये शरीफ बच्चे हैं क्योंकि अभी वो हराके नहीं रही, वो गंदम नहीं रही, वो जो नहीं रही। तो लेकिन आपका भाई इनके दौर में लोगों के छतों में 2 मिनट में पहले चढ़ जाता था। लेकिन खैर नाजिम, बहुत शुक्रिया जी आप आए। ईद मुबारक आपको, मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। दुआ करते हैं फरीहान के लिए। बहुत शुक्रिया। इस खुशी के मौके पे इन दोस्तों को भी याद रखें जो आपकी हिदमत कर रहे हैं। हर कोई हर किसी की हिदमत अपने महकमे में रह के कर रहा है, अपनी दुकान में रह के कर रहा है, अपनी जॉब पे रह के कर रहा है। ये हमारी हिदमत और मोहब्बत ईद वाले दिन हमारे ये मामला को क्लियर करके कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक। तो अल्लाह ताला खुशियां रखे जी। ओ भी पर ईद मुबारक, ईद का दूसरा दिन मुबारक हो आप सबको। तो अभी कुछ लोग रह गए थे, उनके साथ मिलते हैं। सबसे पहले मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको। सलाम कह दीजिएगा उधर सबको, ईद मुबारक। कैमरे में भेजवा के। तो अभी दूसरा दोस्त आ गया, इसका नाम है सुहेब। सुहेब भाई अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी चड्डी फ्रेंड है,
माशाल्लाह बहुत जमाने बदनाम बंदे थे, अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। जारी शारी नभाने में बिल्कुल जीरो है अल्हम्दुलिल्लाह। बताया हमें फिर भी इनसे मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रहेगी।